Very good morning, student. Today we'll see lecture number 10 and problem number 8. Already मैंने problem number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये already मैंने cover किए हैं. अब बस last आखिरी problem बचा है जो अलग तरीके से उन्होंने पूछा है. उन्होंने ये पूरा एक problem नहीं किया है, उन्होंने divide किया है, अलग अलग cases दिए हैं और उस केस में हमें journal entry क्या कैसी करनी है वो बताना है. तो मैं आपको ये first one explain करूंगी, B और C आपको सिर्फ यही तरीके से आपको solve करना है. Okay? So let's start working note. पहले हम read करते हैं. A, आशा लिमिटेड फोर फीचर 100 इक्विटी शेयर 20 ईच फुल्ली कॉल्ड अप नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट ऑफ कॉल 3 एंड फाइनल कॉल 5 पर शेयर. ठीक है, तो आशा लिमिटेड ने फोरफिटेड मतलब क्या जब्त किए हैं, कितने शेयर किए हैं, 100 इक्विटी शेयर जब्त किए हैं जिसकी वैल्यू कितनी थी 20. तो 20 रुपीज वो फेस वैल्यू थी, लेकिन जब पेमेंट हो गया, जब कॉल्ड अप किया, कॉल किया शेयर होल्डर को कि भैया पैसे दो, तो उसमें से फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल जो था, फर्स्ट कॉल मतलब इसका मतलब देखो एप्लीकेशन शायद एप्लीकेशन मनी पर शायद उसने पेड किया होगा. ठीक है, लेकिन फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल मतलब सेकेंड कॉल जब उन्होंने कॉल किया तो 3 रुपीज और 5 रुपीज पेड नहीं हुए. कितने नहीं किए, 100 इक्विटी शेयर मतलब जो भी बंदा होगा उसने 100 इक्विटी शेयर लिए होंगे, उसमें से उसने स्टार्टिंग के कुछ पैसे किए होंगे पेड, लेकिन फर्स्ट कॉल में वो फेल हो गया पे करना 3 रुपीज और फाइनल कॉल में भी वो फेल हो गया 5 रुपीज. तो उसने कितने पेड किए होंगे, देखो टोटल 20 रुपीज का था, उसमें से 8 रुपए तो उसने नहीं पे किए लेकिन 12 रुपीज पे किए होंगे. तो ये आपको मेन समझना है कि 12 रुपीज ऑलरेडी उसने पेड किए हैं लेकिन बेचारे की कोई मजबूरी होगी तो यहाँ पे वो फेल हो गया है, तो टोटल 8 रुपए वो पे करना फेल हो गया है. ओके, तो आपको समझ में आ गया. उसके बाद कंपनी ने क्या किया, वो 100 तो शेयर जब्त किए, वापस ले लिए, लेकिन वो 100 शेयर अपने पास थोड़ी रखेगी, कंपनी ने उसमें से 80 शेयर फिर से रीइश्यूड किए हैं और कितने को किए, ₹15. देखो हालांकि उसकी प्राइस कितनी थी, 20 रुपीज थी, जब अगर कोई अच्छा बंदा लेता तो 20 रुपीज मिलते, लेकिन ये बीच में ही कॉल इन एरियर्स आ गए और बाद में जब उन्होंने रीइश्यू किया तो शायद मार्केट डाउन होगा, तो उन्हें मजबूरन 20 रुपए का शेयर पे कितने में करना पड़ा, 15 में, मतलब सेल करना पड़ा 15 में. तो ये लॉस हुआ है, तो ये जो लॉस हुआ है वो कैसे वसूल करेगी कंपनी, ये हमें देखना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. आई होप आपको समझ में आया है और बिल्कुल इसी तरह से ये बी और सी है, तो ये आप खुद सेल्फ स्टडी करोगे, अगर कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे. सो लेट्स स्टार्ट. पहले हम वर्किंग नोट बनाते हैं. देखो वर्किंग नोट में क्या किया है, यहाँ पे 100 शेयर्स थे, हमने 20 रुपीज में इशू किए थे, तो वही हमने क्या किए, फोरफिटेड मतलब क्या जब्त किए, क्योंकि उसने पेमेंट नहीं किया और अगर पेमेंट नहीं किया तो हम थोड़ी उसको शेयर होल्डर बनाएंगे. सो एक्चुअल अमाउंट कितनी रिसीव नहीं हुई, तो 100 शेयर थे, फर्स्ट कॉल के 3 रुपीज उसने पे नहीं किया, देखो यहाँ पे मैंने बताया बायफर्केट करके, देन फाइनल कॉल के भी उन्हें 5 रुपीज नहीं, तो इस तरीके से टोटल 800 रुपीज हमें नहीं मिले, नॉट रिसीव्ड. देखो यहाँ पे लिखा है नॉट रिसीव्ड, और रिसीव्ड कितने हो गए, तो बंदे ने बेचारे ने 12 रुपीज तो पे किए थे ऐसे 100 शेयर, सो हमें अमाउंट कितनी रिसीव्ड हो गई थी, 1200, लेकिन वो अब हमने क्या किया है, जब्त किया है, अब ये 1200 थोड़ी हम उसे वापस करेंगे, वरना उसको कोई पनिशमेंट होगी ही नहीं, है ना. तो ये 1200 कंपनी ने क्या किए, जब्त किए हैं, क्योंकि अब वो आगे के फर्स्ट एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे नहीं कर रहा है, तो जो पहले वसूल किए थे पैसे वो उसने कंपनी ने फिर से जब्त कर दिए, उसको कहते हैं फोरफिटेड. ओके, तो आई होप आपको वर्किंग नोट समझ में आई है. Now we'll move to the journal entry. तो हमें यहाँ पे पूरी journal entry नहीं करनी है, जो पहले के previous 1 to 7 में हमने देखे कि application money, allotment money, first call, second call, तो नहीं, हमें यहाँ पे उन्होंने सिर्फ reissue की और forfeited की entry बोली है. तो चलो पहले forfeited की entry करते हैं. See ya. तो पहले ही इसके पहले का भी वीडियो आपने देखा होगा, तो वहां पे मैंने कहा है कि जब हम फोरफिटेड करते तो शेयर कैपिटल रिवर्स होता है. यूजुअली शेयर कैपिटल अगर हमारा इंक्रीज होता है तो हम क्रेडिट में लिखते, लेकिन यहाँ पे तो हमारा डिक्रीज हुआ है तो हम इसकी रिवर्स एंट्री करेंगे. तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल टू फाइनल कॉल टू शेयर फोरफिटेड
और यहाँ पे अमाउंट लिखो। नाउ इसके जगह पे आप डायरेक्टली कॉल्स इन एरियाज भी लिख सकते हो, ओके। कॉल्स इन एरियर, बुक में दोनों टाइप बताए हैं, तो आपकी मर्जी। एक तो आप ये ऐसे लिखो, फर्स्ट कॉल में इतना पैसे नहीं मिला 300, फाइनल कॉल में इतना नहीं मिला, वरना इसके जगह पे डायरेक्टली यू कैन राइट टू कॉल्स इन एरियर्स एंड डायरेक्टली यू विल राइट 800, ठीक है। तो ये दोनों की टोटल डायरेक्टली आप 800 भी लिख सकते हो। सो डोंट गेट कंफ्यूज, इसके लिए आप पहले मेरे पहले की वीडियो देखो तो समझ में आएगा। तो कॉल इन एरियर्स हमें हो गया 800 और फोरफिटेड हमने वसूल की है, उसके वापस हमने वसूल किए 1200, ऐसे करके रिवर्स कैपिटल शेयर कैपिटल हो गया 2000, क्योंकि ऑफकोर्स असलियत घाटा तो हमको 2000 में हुआ है, 100 शेयर और इनटू उसकी फेस वैल्यू कितनी थी 20, तो 2000 हमें कम हो गया कैपिटल, तो हमने ये रिवर्स एंट्री कर दी है, ओके। नाउ री इशू की एंट्री हम कैसे करेंगे, नरेशन लिख लो आप। नाउ री इशू, अब हमने री इशू किया है तो हमको कैश मिली, सो बैंक अकाउंट डेबिट, बट कैश कितनी मिली, हमने सिर्फ 80 शेयर्स किए थे री इशू और वो भी 15 रुपीज में 2। अब देखो आपको क्या करना है, पहले जर्नल एंट्री देखो फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। सो बैंक अकाउंट डेबिट, अब ये जो लॉस हुआ है हमारा, कितना लॉस हुआ है, एक्चुअली प्राइस 20 थी, अगर हम 20 से करते तो हमें कितना पैसे मिलता, 1600, यहाँ पे 1600 आता अगर हमने 20 रुपीज से किया होता, बट अब जब हमने री इशू किया तब शायद मार्केट डाउन होगा, तो मजबूरन कंपनी को 15 रुपए से अपना लॉस उनको बर्दाश्त करना पड़ा और 15 रुपीज से इशू करना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 1200, लेकिन एक्चुअली कंपनी को तो 1600 चाहिए था, 1600, तो ये जो 400 लॉस हुआ ये कंपनी अपने जेब से थोड़ी भरेगी, तो कंपनी ने यहाँ पे ऑलरेडी 1200 रुपए जो वो बंदे ने पेड किए थे उसमें से ही कंपनी ने क्या किया, एडजस्ट किया 400। तो देखो यहाँ पे क्रेडिट है, एडजस्ट किया तो रिवर्स एंट्री, डेबिट तो वो जो 5 रुपए का घाटा हुआ है, देखो 15 और 5 बराबर 20 रुपीज, तो ये जो 5 रुपीज का घाटा हुआ है उन्होंने वो किसमें से एडजस्ट किया, जो फोरफिटेड जब्त किए थे 1200 रुपए उसमें से ही एडजस्ट किया। तो इस तरीके से शेयर कैपिटल अब उनका इंक्रीज हुआ 1600, ओके। जब शेयर कैपिटल इंक्रीज होता है तो हमें क्रेडिट में लिखना होता है, डिक्रीज होता है तो डेबिट में, रिवर्स में, ठीक है। मुझे पता है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, लेकिन आपको समझना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, ओके। और इसके लिए पहले आपको मेरे लेक्चर 1 to 7 लेक्चर आपको कंप्लीट देखने हैं, ओके। नाउ अब जो है, अब आपको ध्यान देना है, फोर फीचर, एक अकाउंट ओपन किया है कंपनी ने सेपरेटली 1200, उसमें से 400 एडजस्ट किया है, तो बाकी के जो होंगे वो अब ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। लेकिन आपको यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये 560 कैसे आए। तो देखो यहाँ पे मैंने वर्किंग नोट करके बताया है आपको, ठीक है। देखो कंपनी ने शेयर इशू किए थे 100, फोरफिटेड मतलब जब तो 100 किए थे, लेकिन री इशूड 80 किए हैं, तो 100 को अगर 1200 है, 1200 देखो ये पैसे हमने वसूल किए थे, तो 80 को कितना करना चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि 80 तो री इशूड किया, हमें एडजस्ट किस में करने, 80 में करने, क्योंकि री इशू 80 में किए। अगर 90 बोले होते तो हमने यहाँ 90 लिखा होता, अगर 70 कहा होता तो हमने यहाँ पे 70 लिखा होता, हमने री इशू कितने किए 80 में, तो 100 को अगर जब्त करते तो 1200 रुपीज आते हैं, तो 80 को कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 960, तो हमारा फोर फीचर अमाउंट कितना आता 960, उसमें से ऑलरेडी हमने यहाँ पे 400 यूज किए हैं, तो अब हमारा फोर फीचर बैलेंस कितना बचा 560, और जो बचे है कंपनी फाइनली वो कंपनी ट्रांसफर करती है ऑलवेज कैपिटल रिजर्व, ओके। ये बहुत मुसीबत में जब कंपनी होती तब ये पैसा यूज करती है, तो फिलहाल ये पैसा जो जब्त किया है वो उन्होंने किधर ट्रांसफर किया, कैपिटल रिजर्व में, और कितना किया 560 में। आई होप आपको समझ में आया है, क्योंकि 100 शेयर जब भी उन्होंने फोरफिटेड किए, लेकिन उसमें से 80 तो री इशू किए, तो 100 को 1200, तो 80 को कितना, तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 80 × 1200 / 100 is equal to answer आता है 960। उसमें से 400 ऑलरेडी हमने यूज किए हैं, यूटिलाइज किए हैं, सो अब हमारा कैपिटल रिजर्व सिर्फ 560 है, तो हमने ये वो ट्रांसफर कर दिया।
ओके तो आई होप आपको समझ में आया है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, बार बार प्रैक्टिस करो. सेम प्रॉब्लम बी एंड सी भी है, आई हैव गिवन दैट इज फॉर सेल्फ स्टडी. आप खुद सॉल्व करो, यही मेथड से सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा. और अगर कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं जरूर कोशिश करूंगी आंसर देने की. अगर पसंद आया तो लाइक करो, नए हो तो सब्सक्राइब करो, प्लेलिस्ट चेक करो बार बार, हर एक में मैंने वीडियो अपलोड किए है, चैप्टर नंबर 1 to 8 तक मैंने कंप्लीट किया है. नाउ विल टेक लिटिल ब्रेक. 9th वाला जो चैप्टर है वो मैं आपको जनवरी में लेकर आऊंगी. अब थोड़ा सा ब्रेक लीजिए और पहले के जो मैंने सिखा है वीडियो वो अच्छे से कीजिए. तो फाइनेंशियल एनालिसिस जो है, जो बहुत इजी चैप्टर है और वो ऑप्शन में है, तो वो हम आहिस्ता से करेंगे. तो पहले ये कंप्लीट करिए. सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय.